एवरीवन, वेलकम टू पनेलन स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा दो की क्लास में पाठ 9 बाल गीत। ओके, चलो अपनी किताब को खोलो। बच्चों किताब को खोला, देखो यहाँ पर कहा गया है, घर है मेरा सबसे सुंदर, रहता हूँ मैं उसके अंदर। कि भाई मेरा घर बहुत अच्छा है, मैं घर के अंदर रहता हूँ। फिर ये किसका चित्र है? टमाटर। लाल टमाटर लाल लाल, खाए इसको बाल पाल, स्वाद उसका मजेदार, मत फेंको रहो खबरदार। भाई टमाटर लाल लाल है, इसको सभी बच्चे बड़े खाते हैं, इसका स्वाद मजेदार है, इसको फेंको मत। फिर ये क्या है? नल। तो कहा गया है, टप टप बहता रहता नल, बंद करो भाई अनमोल है जल। भाई नल टपकता रहता है, इसको बंद करो, जल अनमोल है। फिर काला भालू नाच दिखाए, मटक मटक के चलता जाए। मतलब काला भालू है, वो नाच दिखाता है, वो नाचता है और वो मटक मटक के चलता है। फिर देखो बच्चों, नित्य क्रम मतलब हम सुबह से उठ के रात तक जो भी कार्य करते हैं, खाना पीना सोना खेलना, वो हमारे नित्य क्रम मतलब हमारे दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया गया है। देखो हम देखते हैं, उठो सवेरे रगड़ कर नहाओ, मतलब सुबह उठो और रगड़ कर नहाया करो। मंदिर जाकर सीख चुकाओ, फिर आप मंदिर में जाओ, मंदिर में जाओ या घर में भगवान हो तो उनके आगे सीख चुकाओ। पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा। फिर पाठ पढ़ो फिर नाश्ता करो, फिर बढ़िया काम बड़ों की सेवा। बड़ों की सेवा करना बहुत अच्छा काम है। कभी न खेलो दंगल दंगल, और कभी भी दंगल मतलब लड़ना, फाइट करना, लड़ाई करना नहीं खेलना है। करते रहो सब मंगल मंगल, और मंगल मंगल करते रहो। दौड़ कूद कर खेलो खेलो, दौड़ो कूदो खेलो खेल, सब बच्चों से रखो मैं और सभी बच्चे मिलजुल कर खेला करो। सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कह दो एक बढ़ाई। सबसे बढ़कर कौन कमाई और झट से कह दो एक पढ़ाई। फिर बच्चों यहाँ पर तितली के बारे में बताया गया है। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाए, मतलब तितली रानी आप इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो। क्या तुम कोई सहजादी हो, परी लोक से आई हो। क्या तुम कोई सहजादी हो, परी से लोक से आए हो, परी जहाँ परी रहती वहाँ से आप आए हो। पंख अगर मिलते तितली के दूर दूर तक उड़ जाती, अगर मुझे तितली के पंख मिलते तो मैं भी दूर दूर तक उड़ जाती। फूल फूल और कली कली पर उड़ती और मंडराती, और फूल फूल पर जाती और कली कली पर बैठकर मैं सभी पर उड़ती फिर। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे। मछली ने कछुए से पूछा कि आप क्या लगते हो मेरे। सांप पूछता है कछुए से, हाल चाल क्या तेरे। सांप ने कछुए से पूछे कि हाल चाल कैसे है, मतलब आप कैसे हो। फिर सूरज ने धरती से पूछा, सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही जो फेरे, कि आप मेरे फेरे क्यों लगा रहे हो, क्यों चक्कर लगा रहे हो। धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको ही घेरा। फिर धरती ने सागर समुद्र से पूछा कि आपने मुझे क्यों घेरा हुआ है। फिर लगे हाथ मैंने भी पूछा, मैंने भी पूछ लिया। आसमां से जाकर ढूंढ रहे तुम किसको मामा, कि मामा आप आसमां जाकर किसको ढूंढ रहे हो, इतने सारे दिए जलाकर। फिर बच्चों बाल कहानी, बार बार मतलब बच्चों वाली कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, खट्टे अंगूर आपने सुनी भी होगी। देखो हम पढ़ते हैं। एक वन था, एक वन मतलब जंगल था, इसमें एक लोमड़ी रहती थी, एक दिन वह बहुत भूखी थी, यानी एक दिन बहुत भूख लगी थी। वह खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी और एक बाग में पहुंची। वहां एक बेल पर अंगूर लटक रहे थे, अंगूर मतलब द्राक्ष। तुरंत वह उस बेल के पास पहुंची, देखा तो अंगूर कुछ ऊंचाई पर थे, यानी जो अंगूर से बहना जोड़े गई है खराब पर सो तई अंगूर द्राक्ष बहु ऊंची हती। अंगूर पाने के लिए उसने कूदा पर वह सफल नहीं हुई, मतलब है ना मली। इस प्रकार उछलती रही कूदती रही, उसने बहुत कोशिश की किंतु वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। आखिर वह निराश होकर वहां से चल पड़ी। चलते चलते वह बोली, जाने तो अंगूर तो खट्टे हैं, बस इन्हें द्राक्ष ना मिले तो इन्हें सूखी दो के तो खाटी चमारे नथी खावी। देखो बच्चों प्रश्नों के उत्तर।
लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी वन में रहती थी। कौन भूखा था? लोमड़ी। लोमड़ी खाना ढूंढने कहाँ गई? बाग में। बाग में लोमड़ी ने क्या देखा? बाग में लोमड़ी ने बेल पर अंगूर लटकते हुए देखे। लोमड़ी अंगूर तक क्यों नहीं पहुंच सकी? क्योंकि अंगूर कुछ ऊंचाई पर थे। देखो बच्चों, एक ही समझदार बकरी है, इसकी कहानी अब देखते हैं हम। कल कल बहती नदी थी। नदी जब बहती तो क्या आवाज आती ना, तो कल कल नदी थी, वह बह रही थी। उस पर एक पुल था। पुलियो हो तो एना ऊपर पुल बहुत सकड़ा था, मतलब पुल बहुत सकड़ा था, मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं था। एक बार पुल के छोर से कुत्ता आया, उसी समय दूसरे छोर से दूसरा कुत्ता आया। दोनों तरफ से दो कुत्ते आए। दोनों बीच में आमने सामने आ गए। दोनों भौंकने लगे। लड़ने के लिए कूदे, दोनों नदी में गिर गए। फिर क्या हुआ? दोनों आए, दोनों झगड़ा करने लगे और नदी में कूद गए। फिर कुछ दिनों बाद उसी पुल पे एक छोर से एक बकरी आई, दूसरी तरफ से दूसरी बकरी आई। दोनों बीच में मिल गई। किसी ने भी लड़ने की कोशिश नहीं की, वे दोनों समझदार थे। एक बकरी पुल पर बैठ गई, दूसरी उछलकर आगे बढ़ गई। पहली बकरी भी खड़ी होकर आगे चल पड़ी और धीरे धीरे चलकर उसने भी पुल पार कर दी। दोनों ने धीरे धीरे करके पुल की तरफ चली गई। फिर पुल कैसा था? पुल बहुत सकरा था। पहले पुल पर कौन आया? कुत्ता। दोनों कुत्ते नदी में क्यों गिर गए? लड़ने के लिए दोनों कुत्ते नदी में गिर गए। दोनों बकरियाँ कहाँ मिली? दोनों बकरियाँ पुल पर मिली। बकरियाँ कैसी थी? बकरियाँ समझदार थी। ओके बच्चों, ये हमारी किताब के प्रश्न उत्तर। हमने बाल गीति पढ़ी, बाल कहानी भी पढ़ी और आज हमारी बुक्स का सिलेबस पूरा हो गया, बुक्स पूरी हो गई। ओके बच्चों, अच्छी देखना और अपनी किताब में लिखना। ओके, बाय बाय।